गाइस वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम खजियार। 13 डिग्री भाई साहब टेम्परेचर पहुंच चुका है। व्यू कुछ ऐसा है। चाय पी के बात करूं यार आपसे, एनर्जी लो लो लग रही है। एक चाय लेते हैं मस्त वाली। पटके चार हो गई थी गाइस। यार व्यू देख लो, सुबह सुबह सनराइज हो रहा है और क्या ही मस्त लग रहा है। क्या कहीं कहीं रास्ते में ये लैंडस्लाइड भी हो रखी है। अम्बा की सबसे ऊंची जगह है, बट ऊपर है भाई जमीन से हम, देख लो भाई। गालियां पड़ेगी कमेंट में कि मजा आ गया सच में। इंडिया में ऐसी ऐसी जगह है कि बाहर जाने की जरूरत नहीं है यार। मिनी लद्दाख, अभी जैसे मिनी स्विट्जरलैंड छोड़ के आए अपन, वैसे ही ये मिनी लद्दाख। मैगी कर दो, वेज मैगी, और चाय कर दो। यार यहाँ के कैफे की खास बात क्या है ना, एक बात और यहाँ की भेड़े, यहाँ के बंदर वो अलग ही है यार उनके। भाई साहब आज तो पेट्रोल बचा लिया भाई, बहुत सारा पेट्रोल बचा लिया। तो अजीब से पेन करने लगे थे यार अंदर तब। ओ भाई साहब ये फाट के क्या ही खड़ा किया है यहाँ पे कहते हैं। तो तुषार भाई कितनी मिट्टी खाली पीछे देखो, जूते की हालत, टेंट की हालत, बाइक की हालत। यहाँ से अपने को ऊपर जाना है, लामा टेम्पल सारा इस रास्ते पे आता है, तो अपने स्टे पे अपन इस रास्ते से जा रहे हैं। तो यार आप लोग भी देख लो। तो फाइनली आ गए धर्मशाला अपन खजियार से, और वही बात है कि जो रोड था कंस्ट्रक्शन बहुत चल रहा था, काफ़ी मिट्टी मिट्टी हो चुके हैं। तो हाय गाइस वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम खजियार। करते हैं नेक्स्ट डे की, अगले दिन की शुरुआत अपने तीसरे पार्ट की, और निकलते हैं यहाँ से खजियार से। यार स्टे तो इतना खास मिला नहीं, बट जो व्यू मिला बालकनी से काफ़ी प्यारा व्यू है। और बस यार यही अपडेट देना था आपको। करते हैं यहाँ से सीधा मैक्लोडगंज की तरफ अपना रोड ट्रिप स्टार्ट, और अपने तीसरे पार्ट और तीसरे दिन की शुरुआत। तो वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल गाइस, एंड बने रहे इसी तरीके से, और कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, इट्स योर राइडिंग राम। और यार व्यू काफ़ी अच्छा है। 13 डिग्री भाई साहब टेम्परेचर पहुँच चुका है, मतलब ठंड से मरे जा रहे हैं एकदम। क्या बताऊँ मैं आपको, ये देखो व्यू कुछ ऐसा है, और सनराइज हो रहा है उधर अभी तक, और काफ़ी प्यारा लग रहा, काफ़ी प्यारा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं सीधा रोड पर और करते हैं अपने तीसरे दिन की शुरुआत, लेके जय श्री राम का नाम, जय बजरंग बली, और करते हैं शुरुआत दिन की। चलिए गाइस मिलते हैं सीधा आपसे ऑटो व्लॉगिंग सेटअप पे। थैंक यू सो मच। चलिए गाइस चलते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय महाकाल, जय हो प्रभु। तो गाइस निकल गए हैं अपन अपने खजियार वाले स्टे से, और अब जैसा कि मैंने आपको बताया सीधा अपन चलेंगे मैक्लोडगंज की तरफ, जहाँ पे अपना सारा सामान पड़ा है। और बस यार यही था ट्रैकिंग का, आज देखते प्लान करते हैं, और आज हुआ तो ठीक, नहीं तो कल अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे फिर। ठीक है जी, ओके। कहीं रुक के चाय नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, चाय पी लेते हैं। और ये कुछ ऐसा रोड था यार, रात को आए जब स्टे के लिए। चाय पी के बात करूं यार आपसे, एनर्जी लो लो लग रही है। एक चाय लेते हैं मस्त वाली, फिर मिलते हैं आपसे। इतनी ठंड हो चुकी है, 13 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, और अभी यही दिल्ली नोएडा गुड़गांव का 30 के आसपास का टेम्परेचर होगा अभी। यार ठंड अच्छी तो लग रही है, मस्त लग रही है। व्यू देखो गाइस, क्या ही व्यू, क्या ही रोड, गजब गजब। रात को बंदा लेके आया हमें, बोले बस ये रहा 500 मीटर। और भाई 500 मीटर बोल बोल के इतना आगे ले आया ना, बट हम भी आके फिर सोचे वह चलो यार रुक ही जाते, अब लेट भी हो चुके थे, कहाँ ही दौड़ेंगे फालतू अपन, फिर यही रुक गए। पटके चार हो गई थी गाइस। गोप्रो चल ही नहीं रहा था, मैंने सोचा क्या हुआ है यार, ये ठंड की वजह से नहीं चल रहा है, क्या हो गया इसको, रोक के फिर वापस रीस्टार्ट करने की कोशिश की, हो ही नहीं। चार्ज लगा के फिर चालू करने की कोशिश की, फिर भी नहीं हुआ। मुझे लगा एक शॉट लग के फिर क्या पता चालू हो जाए। फाइनली बैटरी निकाल के वापस डाली, तब जाके पी 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 किया साले ने। फटके चार हो गए भाई साहब सच में।
तो यार गाइस खजियार से निकल चुके हैं, चाय तो मिली नहीं खजियार में यार, सब सुबह सुबह उठे ही थे होटल वाले। तो अभी हम चल रहे हैं जोत की तरफ, जोत में कोई होटल दिख रहा है तो वहाँ पे जाके चाय और ब्रेकफास्ट करते हैं। और ये वाला रास्ता जो है, जो अपन रास्ते से आए वो वाला रास्ता नहीं है, ये दूसरा रास्ता है। तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं, कैसा है, क्या है, क्यों है, कब है, कब तक है। यार व्यू देख लो, सुबह सुबह सनराइज़ हो रहा है और क्या ही मस्त लग रहा है, क्या ही मस्त लग रहा है यार इस ट्रिप पे। तो व्यू 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 इतना वर्ड यूज़ हुआ है ना ये व्यू वाला, सच में। चंबा भी जाता है ये रास्ता, 20 किलोमीटर चंबा दिखा रहा है, बट चंबा नहीं जाएंगे अब अपन सब सीधा निकलेंगे अपन मैक्लोडगंज के लिए, ताकि अपना सामान वामान सब वहीं पड़ा है। और बस यार चलते हैं, ठीक है जी। बाकी सनराइज़ हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे तो। आप लोगों को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए कमेंट बॉक्स में भर भर के। कहीं कहीं रास्ते में ये लैंडस्लाइड भी हो रखी है, देखो गाइस ये पत्थर जो दिख रहे हैं आपको ऊपर से आया है, और बीच में अभी निकल गया वो, बीच रोड पर पड़ा था इतना बड़ा पत्थर। तो गाइस यार ये भी एक ध्यान रखने वाली बातें हैं, और मानसून में इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे डेंजर हो जाता है आना, क्योंकि मिट्टी कच्ची हो जाती है बारिश की वजह से, गीली हो जाती है, और जो लैंड है और जो पत्थर है वो अपनी जगह छोड़ देते हैं, तो उस वजह से लैंडस्लाइड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वही बात है गाइस, हम हैं अभी जोत में, जो कि चंबा की सबसे ऊंची जगह है जैसा कि सुनने में आया है। मतलब आप यहाँ से ले लो समुद्र तल से ऊंचाई, ओके 2400 भाई साहब, मतलब कि ढाई किलोमीटर हो गया ना ऑलमोस्ट, हाँ ढाई किलोमीटर ऊपर है भाई जमीन से हम, देख लो भाई सच में क्या ही लोकेशन है, क्या ही लोकेशन। और यार कैमरे में पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बाकी हमें नंगी आंखों से दिख रहा है धौलाधार रेंज, क्या ही प्यारी लग रही है। और ये जोत में है हम, चंबा की जो है सबसे ऊंची जगह और सबसे ज़्यादा ठंडी जगह, बहुत ठंडी जगह है। अब आगे जैसे ही यहाँ से नीचे उतरेंगे फिर थोड़ी थोड़ी गर्मी लगना चालू हो जाएगी। जो ये सोर्स है मेरा वो मनोज भाई, ये लोकल चाय वाले जहाँ पे चाय पी थी हमने, तो ये सारा क्रेडिट उनको जाता है इस नॉलेज का, ठीक है जी। और बाकी रास्ता तो दिख ही रहा है यार आपको, रास्ता तो बार बार मैं व्यू देखो बोलूँगा तो गालियाँ पड़ेगी कमेंट में कि भाई व्यू देखने के लिए खोला है तेरा व्लॉग मज़ा आ गया सच में। कल यार एक कमेंट आया था मुझे इंस्टाग्राम पे, मैं वैसे अभी यूट्यूब पे तो सब एडिटिंग इन प्रोसेस चल रही है, बट कल इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी मैंने, वहाँ पे कमेंट आया कि मतलब फ्रेंड ही है मेरा, भाई है मेरा, तो उन्होंने बोला कि यार आप जैसे व्लॉगर की वजह से हमें पता चलता है कि इंडिया में ऐसी ऐसी जगह है कि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यार सच बात है ये, इंडिया इतना मतलब डाइवर्स है ना, इतना वर्सेटाइल है ना इन चीज़ों में, आपको सब कुछ मिल जाएगा भाई यहाँ पे। अब कल जिस जगह गए थे हम उसको मिनी स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं, अब मिनी स्विट्ज़रलैंड इसलिए बोलते हैं कि यार वो मतलब वहाँ के फ़ोटो देख लो आप, मैंने ठंड के फ़ोटो देखे वहाँ पे, जब स्नो रहता है जब बर्फ़ रहती है तब के फ़ोटो देखे, भाई साहब कोई मतलब यकीन नहीं कर सकता कि ये इंडिया में कोई जगह होगी सच में, अल्टीमेट। तो वही बात है यार कि अपन अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया, बाकी अगर कोई कर ले ना इन चीज़ों को एक्सप्लोर, तो इंडिया छोड़ना तो छोड़ो, इंडिया छोड़ के जाने का नाम तक ना ले कोई। जो बोलते हैं ना मुझे हमें बाहर शिफ्ट होना है, हमें बाहर रहना है, भाई साहब बाहर तुम्हें पर्टिकुलर एक जगह मिल जाएगी, ठंडे देशों में ठंड मिल जाएगी, गर्म देशों में गर्मी मिल जाएगी, पानी वालों में पानी मिल जाएगा, बट इन इंडिया द थिंग इज़ डिफरेंट, भाई साहब सब मिलेगा यहाँ पे। आप नाम बोलो, बस नाम बताओ आपको क्या चाहिए, आपको हिल्स चाहिए, आपको बीचेस चाहिए, आपको ठंड चाहिए, आपको गर्मी चाहिए, आपको गर्मी में ठंड चाहिए, आपको ठंड में गर्मी चाहिए, सब मिलेगा, सब यार सच में। ड्यून्स मिलेंगे आपको, और राजस्थान की तो क्या ही बात करूँ मैं, ओ भाई साहब व्यू देखो यार, मिनी लद्दाख, अभी जैसे मिनी स्विट्ज़रलैंड छोड़ के आए अपन, वैसे ही ये मिनी लद्दाख। तो यार अपनी दो तीन चीज़ें जिनकी नेट प्रैक्टिस चल रही है, एक तो अपनी लद्दाख की प्रैक्टिस चल रही है कि लद्दाख जाने पे इतने हर्डल्स ना आए, और अपन उसको बिना किसी
हिकअप्स के अपन कवर कर ले। और बाकी एक अपनी तैयारी चल रही है केदारनाथ जी की, जो कि अपन कल ट्रैक करेंगे त्रियुंद का, तो वो भी एक तरह से अपनी नेट प्रैक्टिस है केदारनाथ की ट्रैकिंग के लिए, और जो कि अपन मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ कर लेंगे। बाकी यार व्यू कुछ ऐसा है और कैफेज बने हुए हैं, अब चाय तो पी ली है, लेट्स सी अगर कोई ढंग का कैफे दिखे तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो यार गाइस पराठा है, मैगी है, यार मोबाइल खोल के अंदर ही ले लेते हैं। क्या क्या है, पराठा मैगी दोनों? मैगी बोल दी, ठीक है अंकल जी, दो मैगी कर दो, वेज मैगी और चाय कर दो, ठीक है चाय पियोगे? चलो जी, ऐसा व्यू है, बाहर से आपको व्यू दिखाते हैं गाइस, ये देखो क्या ही व्यू है यार, सच में खूबसूरत। बाहर बैठना है गाइस, फाइनली मैगी आ गई है, पराठा ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, चाय बहुत बढ़िया है। यार यहाँ के कैफे की खास बात क्या है ना, कि मतलब कहीं पे भी बैठ जाओ तुम, मतलब दिल्ली में जो एस्थेटिक वाली वाइब्स होती है ना कैफे की, उससे फार बेटर है, फार बेटर है, बहुत अच्छी वाइब है। और पीछे का व्यू तो अल्टीमेट, किसी भी कैफे पे चले जाओ बालकनी का व्यू तो हमेशा वैसा ही रहेगा। बाकी टेस्ट भी अल्टीमेट था, पराठा शानदार, चाय शानदार, मैगी शानदार, और अपने तुषार भाई शानदार। तुषार भाई कैसा लग रहा कल चिलचिलाती गर्मी से आज बिल्कुल ठंड में आने के बाद? बहुत सही लगा, सही लग रहा है। तो दिल्ली में तो वापस 40 डिग्री में जाने हैं, गर्मी में मरना है वहाँ पे ना, ये ऑफिस का काम भी साथ साथ हो रहा है तुषार भाई का। तो तुषार भाई यहाँ पे आने का प्लान था या फिर आप मेरे साथ बना, आपका आपके साथ ही बना? अच्छा, बाकी डलोजी नहीं आना था? सही है गाइस, सही है। तो यार कभी कभी क्या होता है ना, वैसे तो सोलो ही करते हैं, भाई भी सोलो करते हैं, मैं भी सोलो करता हूँ, बट कहीं कहीं पे ऐसे मिल जाते हैं फ्रेंड जो सेम थॉट प्रोसेस रखते हो, सेम माइंड सेट रखते हो, तो बस मिले हम, बस हाय हेलो हुआ और मतलब बिल्कुल ही ऐसा लगा जैसे बहुत पहले से जानते हो एक दूसरे को। एक बात और, बहुत बहुत थैंक यू उन कंपनीज का जो हाइब्रिड और वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करवाती है, तो हम जैसे एम्प्लॉय ट्रैवल कर पाते हैं। तो यार काम भी साथ साथ चल रहा है, ट्रैवलिंग भी चल रही है, राइडिंग भी चल रही है, सब चल रहा है, मज़े भी आ रहे हैं, बस यही चाहिए और क्या चाहिए। चलो तो गाइस हूँ आप चलिए, यार काफ़ी सही खाना था यार, घर जैसी वो नहीं होता है वो, तो मतलब बिना ग्रेवी ऐसा कुछ फालतू का और बिना ऐसा ऑयली ऑयली, एकदम घर जैसी फीलिंग आई यार। पराठा भी ऐसे लगा जैसे घर पे बना हुआ अपना, और मैगी भी शानदार, चाय भी अच्छी थी। बस यार अब सीधा अपन थोड़ा लंबा राइड मारेंगे, अब इतना रुकेंगे नहीं, सुबह से बहुत ज़्यादा रुक लिए, और रुकना भी बनता है यार, ऐसी वादियाँ हो, ऐसे नज़ारे हो, ऐसे हो तो क्यों ना रुके, कोई वापस थोड़ी आएंगे चाय पीने यहाँ की, आएंगे बट नॉट नो, पता नहीं, चलिए है ना। तो चलिए गाइज आपसे आगे कनेक्ट करते हैं, और ये कुछ व्यू ऐसे हैं यार, मतलब सबसे ऊँचे पहाड़ पे है एक तरह से हम देखा जाए तो। यार बकरियाँ देखो, और यहाँ की भेड़े, यहाँ के बंदर, वो अलग ही है यार, उनके बाल इतने बड़े बड़े, इतना सिल्की सिल्की से बाल लगते हैं। सच में बंदर दिखे बीच में रास्ते में, इतने बड़े बड़े बाल मुंह पे और बॉडी पे उनकी, और इतने सिल्की से लग रहे हैं ना भाई साहब, सच में खूबसूरत बंदर। सच में एक्चुअली बाल बढ़ने की वजह वही है कि ठंडा एरिया है ना, यार ये लगता है यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है, और जहाँ जहाँ पे भी ऐसे टूटा हुआ पहाड़ और ये ऐसे काम चलने वाले, ये नीचे रोड टूटी हुई होती ना, तो इसका मतलब यही होता है कि लैंडस्लाइड हुई है वहाँ पे, वापस से उसको रिकवर किया गया है। चलो फाइनली थैंक गॉड रोड अच्छा आया। चलिए गाइस यार अच्छा रोड है यार ये तो, मस्त वाला, सही है सही है सही है, पहाड़ों की यही बात है यार, ना जाने क्या दिख जाए। अभी ठंड थी थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी देर बाद वापस गर्मी चालू हो जाएगी, कच्चे रोड थे, ऑफ रोडिंग थी, वापस रोड आ गई मस्त वाली,
क्या ही मजे ही मजे। ओ भाई साहब क्या रोड है, क्या रोड है मस्त। क्या मैं क्या आप पता है बहुत सलीके से बना रखी है रोड, पता है जैसे मतलब इतनी छोटी रोड है तो भी अपने एक्सप्रेसवे पे देखते हैं ना जैसे स्लोप बने हुए होते हैं मुड़ाव में टर्न में, ये देखो रोड थोड़ी सी ऐसे स्लोप में ऐसे टिल्ट दिखेगी आपको ताकि ग्रिप अच्छी बने गाड़ी की और टर्न ले पाए। सही यार सही सही सही, बहुत मतलब ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है पता है। व्यू देखो गाइस, व्यू क्या ही प्यारा व्यू, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। ओ भाई साहब वहाँ से आए अपन, मतलब वहाँ से क्या और ऊपर से पूरा पहाड़ उतरा है। चलिए 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 चलिए, आज तो पेट्रोल बचा लिया भाई, बहुत सारा पेट्रोल बचा लिया, अब स्टार्ट करनी पड़ेगी। ओह भाई पिछले 1 किलोमीटर से गाइस ऐसे बिना बंद किए हुए गाड़ी लेके आ रहा हूँ मैं, फाइनली अब स्टार्ट की है, काफ़ी सारा पेट्रोल बचा लिया गाइस, मज़े ही मज़े, अमीर बन गया तो। व्यू देखो गाइस, व्यू देखो, इधर भी व्यू देखो गाइस, व्यू देखो, व्यू देखो गाइस, व्यू देखो, व्यू देखो गाइस, व्यू देखो। अच्छा इधर जाना अपने को, नहीं शाहपुर नए वाला ये ना, कल यहाँ रुके थे अपन, पठानकोट की तरफ, पठानकोट है यहाँ से 47। चलिए गाइस नूरपुर की तरफ से चलते हैं, लेट्स सी ये रास्ता कैसा होता है। कल यार शाहपुर वाले रास्ते ने तो परेशान कर दिया था, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, इतना काम चल रहा है, इतना मिट्टी मिट्टी और ऊपर से हिल्स वाले रास्तों में मिट्टी और काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो आज थोड़ा पिलान में थोड़ा चेंज होने का और अपन ले रहे हैं नूरपुर वाले रास्ते से जहाँ पे 4 लेन का काम चल रहा है। जहाँ तक मुझे आइडिया है 4 लेन वही है जो अपन ने जब एंटर किया था ऊना से धर्मशाला के लिए, तो वो जो काम चल रहा था वही कंस्ट्रक्शन अपने को मिलेगा, तो लेट्स सी कैसा रहेगा। बट वो था, वो कैसा था पता, बियरेबल कंस्ट्रक्शन था, मतलब कि प्लेन में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, हिल्स वाले एरिया में नहीं, बट पता नहीं अब देखते हैं क्या होता है इधर, लेट्स सी। एक्सप्लोर करने ही निकले हैं वैसे, अब जिस रास्ते आ गए उस रास्ते क्यों जाना भाई, अपन उस रास्ते ना तो मैकलोड अपने डलहौजी से वापस आए वो पुराने वाले रास्ते से, ना ही इस वाले रास्ते से अपन मैकलोडगंज जाएंगे, अपन नया रास्ता निकाला ये जो नूरपुर होके जाएगा, पठानकोट यहाँ से 46 और नूरपुर है अपना 20 किलोमीटर। लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लोर और देखते क्या ही मज़े आते हैं। तो अजीब से पेन करने लगे थे यार अंदर, क्या है कि बार बार क्लच ब्रेक क्लच ब्रेक क्लच ब्रेक वही चल रहा था, तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते, रिलैक्स। चलिए गाइस मिलते हैं आपसे आगे, मिलते हैं आपसे आगे। ये पहाड़ कुछ अलग है यार, देखो अलग से पत्थर है छोटे छोटे गोल गोल, इनमें ऐसा नहीं लगता जैसे कि मतलब, ओ भाई साहब ये फाट के क्या ही खड़ा किया है यहाँ पे, यार ऐसे नहीं लगता कि यहाँ पे पानी पानी हो, क्योंकि ये पानी वाले पत्थर है, पहाड़ वाले पत्थर नहीं है, कि मे भी हो सकता है हिस्ट्री में यहाँ पे पानी पानी हो फिर उसी पानी से पहाड़ बन गए हो ये, और फिर काट के ये देखो ये गोल पत्थर, यार पानी वाले पत्थर होते हैं एक्चुअली, पहाड़ वाले पत्थर अलग होते हैं, ये देखो अलग से है यार ये कुछ, वही बात है यार नया रास्ता नया एक्सपीरियंस, नए लोग नई भाषा नई वाइब्स,
लेट्स सी। तो गाइस नूरपुर अपन क्रॉस कर चुके हैं और अब यहाँ से जो अपना स्टे है मैक्लोडगंज धर्मशाला का वो 40 किलोमीटर 1 घंटा 25 मिनट बता रहा है। यार मैक्लोडगंज और धर्मशाला से डलहौजी और अपना खजियार के लिए दो रास्ते जाते हैं, तो एक होता है शाहपुर जाके और एक जाता है अपना नूरपुर जाके। तो कोशिश यही करो कि आप नूरपुर होके जाओ, बिकॉज ऑफ कि 4 लेन काम दोनों पे कंस्ट्रक्शन का चल रहा है रोडों पे। बट द थिंग इज जो शाहपुर वाला रास्ता है उस रास्ते पे क्या हो रहा है कि जो हिल वाले रास्ते हैं, जो हिल्स माउंटेंस के अंदर होके जाते हैं उन पे काम चल रहा है और वो सिंगल रोड है, तो उस पे ज़्यादा परेशानी है। और आगे अगर कोई आपसे चल रहा है 4 व्हीलर या फिर कोई कार वाला, तो भाई साहब पूरे मिट्टी में होना तय हो आप। बट जो नूरपुर वाला रास्ता है इस पे क्या है, 4 लेन का काम चल रहा है और वो जो कंस्ट्रक्शन का सारा काम चल रहा है वो फ्लैट एक सरफेस पे चल रहा है, वो हिल्स वाले एरिया नहीं है या फिर हिल्स में नहीं है, तो वो इतना हेक्टिक नहीं हो जाता। और ये नूरपुर वाले हाईवे से या फिर रास्ते से कह सकते हो आप, हम वापस रिटर्न आ रहे हैं, उतना टाइम नहीं लगा जितना टाइम हमें कल शाहपुर वाले रास्ते से जाते टाइम लगा। बहुत अच्छा कवर हुआ, जल्दी कवर हुआ और अच्छी, आज तो भाई साहब माउंटेन में अपन ने 80-90 क्रॉस किया है स्पीड की बात करें तो। तो बस ये छोटी सी अपडेट थी तो सोचा आपसे शेयर कर दूं। और बाकी यार काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, 4 लेन बन रहा है आई थिंक, तो बन जाने के बाद मे बी अच्छा हो जाए रोड ये। पूरा मिट्टी मिट्टी कर रखा है यार गाइस, मतलब इतनी मिट्टी है कि बस जूतों की और जो पैंट की हालत तो बहुत ही ख़राब हो रखी है सच में। चलिए फिर आगे कनेक्ट करते हैं आपसे। अभी यहाँ से अपना जो मैक्लोडगंज का स्टे है वो 39 किलोमीटर 40 किलोमीटर के आसपास है, तो टाइम गूगल बता रहा है 1 घंटा 20 मिनट। यही अपना फ्लैट सरफेस पे होता तो जल्दी कवर हो जाता, बट वो माउंटेन के हिसाब से टाइम वैसे बताता है, तो मोस्ट प्रोबेबली सही भी निकलता है गूगल का टाइम जो गूगल मैप पे आता है। चलिए गाइस व्यू तो कुछ ऐसा सा है मिट्टी भरा अभी, तो फिर आगे कनेक्ट करते हैं आपसे। काफ़ी सारी मिट्टी खाने के बाद कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ खा पी लेते हैं और चाय वाय पी लेते हैं। तो तुषार भाई कितनी मिट्टी खा ली पीछे? बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, नहीं बहुत मिट्टी थी गाइस, बहुत मिट्टी थी। हालत दिखाऊंगा मैं आपको, ये देखो जूते की हालत, पैंट की हालत, बाइक की हालत। ओ भाई साहब, ओह क्या ही कमर पेन करने लग गई एकदम से, क्या छट गई है यार गाड़ी अपनी पूरी। ये देखो मिट्टी मिट्टी हो रखी है गाइस। चलिए कुछ खाते पीते और फिर आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। ये देखो ये दिख रही है, चलो गाइस धर्मशाला में आ गए अपन। और एज ऑलवेज जैसा कि अपन करते आए हैं, अब जो अपना स्टे हैं उसके दो रास्ते हैं। एक रास्ते से जब कल आए अपन और मतलब 2-3 दिन से उसी रास्ते में घूम रहे हैं, एक ये पीछे हो गया अलग सा रास्ता है जो कि डल लेक, नदी व्यू पॉइंट, सनसेट पॉइंट और अपना दलाई लामा टेम्पल सारा इस रास्ते पर आता है। तो अपने स्टे पर अपन इस रास्ते से जा रहे हैं, तो यार आप लोग भी देख लो। तो फाइनली
आ गए धर्मशाला अपन खजियार से, और वही बात है कि जो रोड था कंस्ट्रक्शन बहुत चल रहा था और काफ़ी मिट्टी मिट्टी हो चुके हैं सब, जाके नहाएंगे। और जब निकले थे अपन खजियार से, अपने भाई ने पूछा था, तुषार भाई ने, कि कितने बजे पहुंचेंगे, 12 बजे पहुंच जाएंगे? तो मैंने बोला नहीं, अपन पहुंचेंगे 12:30 और 1 बजे के बीच में। सो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, शायद पता नहीं मीटर में दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको वॉच, 12:26 टाइम हो गया है और अभी पहुंचने में अपने को 10-15 मिनट और लग जाएंगे। तो आपके भाई ने, यानी कि मैंने सही अजम्पशन लगाया था यार, मतलब कि हाँ, वहाँ से अज्यूम कर लिया था मैंने कि हाँ इतना टाइम तो लगेगा, सारा ट्रैफिक और सारे वो रास्ते और ध्यान में रखते हुए। तो वही बात है, चलिए चलते हैं फिर। और ये अपना धर्मशाला आ गए वापस और चलते स्टे पे, नहाते धोते और आगे की अपडेट में आपको आगे देखता हूँ कि क्या होने वाला है। चलिए गाइस, फाइनली आ गए लोकेशन पे, खड़ी करते हैं गाड़ी और चढ़ते हैं सीढ़ियाँ। खैर एक बात अच्छी नहीं लगी यहाँ के जोस्टल की, कि इनके पास पार्किंग नहीं है यार, पार्किंग की बड़ी दिक्कत है इनके पास, और सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना होता है। ये देखो, यहाँ से अपने को ऊपर जाना है, बट पार्किंग की बड़ी दिक्कत है, पार्क कहाँ करें अब, यहीं कर देते हैं और क्या यार, कहाँ ही ले जाएंगे गाड़ी को। चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे वापस, जाते हैं नहाते धोते, फिर आगे की क्या प्लानिंग रहती है बताता हूँ मैं आपको।